खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां कोतवाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा स्थित 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कंचनपुरी गांव में मौके पर दबिश देकर गौकसी करते हुए 3 अभियुक्त गणों को 95 किलो गौमांस तथा गौकसी में इस्तेमाल किए गए उपकरण लोहे की छुरी, लोहे का चापड़, बेलनाकार किला, तराजू व लोहे के बाट सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर और आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं कंचनपुरी खटीमा निवासी गिरफ्तार अभियुक्तगण अब्दुल सलाम पुत्र दीदार बख्श, बखीरा पुत्र शेर तथा सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल सलाम ने कड़ी पूछताछ में बताया कि आवारा गाय के बछड़े का शिकार किया था। वहीं बछड़े के मांस का पशु चिकित्सकों द्वारा भौतिक निरीक्षण भी कराया गया। वहीं इस पूरे मामले में SSI अशोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर गौकशी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। ये दिनांक 17/1/2023 को पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कंचनपुरी गांव में गौवंशी जानवर का वध किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल एक टीम गठित करके SI संदीप पिलखवाल के नेतृत्व में एक टीम गठित करके मौके पर भेजी गई, तो वहाँ पे अब्दुल सलाम, बसीरा और सद्दाम इन तीनों के कब्जे से कटे हुए गौमांस के पीसेज करीब 95 किलो और उनको काटने वाले हथियार बरामद हुए। तीनों को गिरफ्तार कर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। सर, ये गौ तस्करी या गौवध में इनकी संलिप्तता थी अथवा नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।